अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको प्राइमरी कलर से सेकेंडरी फॉर्म बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे बनाते हैं। तीन कलर से हम सेकेंडरी फॉर्म कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो शेड आता है वो है ब्लू शेड, फिर उसके बाद नंबर टू है रेड, फिर उसके बाद थ्री नंबर पे आता है येलो। ये तीन शेड प्राइमरी कलर कहलाते हैं। कलर प्राइमरी क्रिएट नहीं किया जाता, क्योंकि हम हेयर कलर की थ्योरी को हम देख रहे हैं। तो प्राइमरी कलर जो के कलर की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, ये बेसिक कलर भी कहलाते हैं। इससे कई कलर जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे दो प्राइमरी कलर की मिक्सिंग से जो के बराबर की हो, तीन कलर हम तैयार कर सकते हैं। यानी हम रेड कलर और येलो कलर को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज शेड बनेगा, और इसी से येलो को ब्लू के साथ मिक्स कर देंगे तो हमारे पास ग्रीन शेड तैयार हो जाएगा। और हमारे पास कलर की सेकंड फॉर्म तैयार हो रही है जो कि सेकेंडरी कहलाएगी। इसी तरह आप ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो पर्पल कलर तैयार हो जाएगा। अब आपके पास इसी तरीके से कलर तैयार होंगे कि हम कलर की मिक्सिंग करते चले गए, और जब हमारी जो मिक्सिंग इसी तरह होती चली जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे कलर तैयार हो जाएंगे। और हमारे ये प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर की फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो ये जो है, ये मैंने आपको कलर की मिक्सिंग का थोड़ा सा थ्योरी आपको मैंने आज बता दी है कि कैसे ये तैयार होती हैं प्राइमरी कलर से सेकेंडरी फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, जैसे जब हमारे पास शेड नहीं होते तो हम इस तरह प्राइमरी जो कलर होते हैं उनके साथ हम सेकेंडरी शेड बना सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको आज मैंने जो बताई है थ्योरी, ये प्राइमरी कलर के बारे में कि प्राइमरी कलर को हम यूज़ करके कैसे हम सेकेंडरी कलर बना सकते हैं और अपना जो शेड है वो हम कर सकते हैं क्रिएट। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ को आप लोगों को मेरी ये जो मैंने आप थ्योरी दी है कलर के बारे में, हेयर कलर के बारे में, तो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। शुक्रिया।